ताप्ती मैया की। माँ भगवती का ऐसा प्रताप है, सूर्य पुत्री है, शनि महाराज की बहन है, यमराज की बहन है, और यहाँ भाई दूज पे शनिवार की दूज पे जो भी यहाँ पे स्नान करता है उसको शनि महाराज परेशान नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं अपने ट्रिप को शुरू। तो अब हम निकल चुके हैं बालाजीपुरम से सीधे मुलताई की तरफ, और वहां पर हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत ही सुंदर जगह। तो बस जानिए आप थोड़ी सी देर में। आपने देखा पिछले ब्लॉग में हमने दर्शन कर लिए हैं अभी बालाजीपुरम के। अब हम लोग जा रहे हैं तापी उद्गम स्थल पे, जहाँ पे ताप्ती माता का जो नदी है वो वहाँ पर बनी हुई है और वहाँ पे उद्गम स्थल है। साथ में वहाँ पे सूर्य देव का मंदिर भी है और पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर वो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। चल रहे हैं अब सीधे वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। और आई होप आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों थोड़ी देर बस हम पहुँचने वाले हैं, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है और फिर हम सीधे आपको वहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए आप देखते जाइए यहाँ के नज़ारे सामने। तो मंदिर के रास्ते में हमें यहाँ पर एक डैम के बारे में पता चला, तो हम वहाँ पर डैम को आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये जो एक गांव टाइप का एरिया है, यहाँ पर ये भुट्टे वगैरह ऐसा पड़े हुए हैं, और यहाँ से हम आपको डैम के थोड़े से दिखाएंगे डैम कैसा दिख रहा है। बहुत सुंदर डैम लग रहा है ये। तो दोस्तों बहुत सुंदर डैम लग रहा है, और यहाँ पर हम अपना छोटा सा एक आपको सीन भी दिखा रहे हैं, साथ साथ हमने सोचा कि यहाँ पे आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं जो दिखा सकते हैं। और ये यहाँ पे पॉइंट एरिया है जहाँ से इधर से नहीं जा सकते क्या, ये बंद है क्या? तो दोस्तों गाड़ी को उस तरफ खड़ा कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर आपको डैम दिखाने जा रहे हैं। इधर बहुत सुंदर नज़ारा है क्योंकि हम लोग थोड़ी ऊंचाई पे हैं। वो सामने आप रोड देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग आ रहे थे, यहाँ से हमने अंदर की तरफ कट लिया है। वैसे हम नॉर्मली हर जगह ऐसे नहीं घूमते, हम लोग टारगेटेड जगह पे जाते हैं, जो हमने सोचा था कि हम यहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे मंदिर पे, और जो विशेष जगह वहाँ ले जाते हैं। पर ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाता हूँ, शेयर कराता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी खूबसूरत जगह भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये संपन्न डैम नाम से ये जगह है, और यहाँ पर आप आ सकते हैं अगर आप ये बैतूल वाले हाईवे से आ रहे हैं, निकल रहे हैं नागपुर की तरफ अगर जा रहे हैं, तो भी आप इस जगह पे आ सकते हैं, देख सकते हैं जगह को। ये रहा डैम, ये देखिए पूरा बना हुआ है और बहुत बड़ा डैम है आप देखिए, और बीच में कुछ शायद बोट हाउस टाइप का कुछ बना हुआ है उस तरफ आप देख जैसे देख रहा होगा, और यहाँ से पूरा ये डैम बना हुआ है। हाँ ये ना देखिए, यहाँ पर कोई डैम है।
ताप्ती मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। यह पूर्व से अरब सागर की ओर बहने लगती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के मुलतई से लगभग 724 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय नदी बेसिन है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी का नाम सूर्य देव की पुत्री के नाम पर रखा गया है। ताप्ती भगवान शनि की बहन का नाम भी है। ये मान्यताएं इस नदी को क्षेत्र में बहुत अधिक धार्मिक महत्व देती हैं। तो दोस्तों, तापी नदी के पास हम लोग यहाँ से आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में ये गजानन महाराज का मंदिर है। यहाँ से आप सामने देख सकते हैं, ये छोटी तापी है, यहाँ पर ये बनी हुई है। और हम लोग यहाँ पे एक अभी फेरी लगा रहे हैं, एक चक्कर आप ऐसे लगा सकते हैं मंदिर में और इधर दर्शन कर सकते हैं गजानन महाराज जी। और वाटर कूलर वगैरह लगा है। पार्किंग के लिए फैसिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ थी तो हम लोगों ने उधर लगा दी गाड़ी। बाहर की तरफ हमने अपनी गाड़ी उधर खड़ी कर दी। आप जैसे ट्रैक्टर की तरफ देख सकते हैं, वहाँ पे खड़ी करी हुई है गाड़ी हमने अपनी। नेक्स्ट वन उस तरफ हमने खड़ी करी हुई है अपनी। और अब यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे और दर्शन करेंगे बाकी सब चीज़ों के। अभी बन रहा है, कुआ वगैरह अभी बनेगा। बैठने के लिए ये बिस्ली बना हुआ ना। हाँ, अच्छा, तो ये इधर आसपास में ही है ये सब। अच्छा, प्राचीन मंदिर है ताप्ती जी का नीचे से। कामेश्वर मंदिर, ताप्तेश्वर मंदिर के नीचे से आओगे तो आपको तीन गुण आगे और ये बताने। ताप्ती पुराण करके बुक भी है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है सारी। अच्छा, इसके और भी राइटर हैं क्या कि एक ही राइटर? ये पुरानी होगी शायद, है ना? मराठी में है क्या? हिंदी में। ये वाली हिंदी में। तो भैया से यहाँ पे जानकारी हमने ले ली है। ये बुक है, अगर आप जैसे आते हैं तो ये बुक वगैरह ले सकते हैं। इसमें ताप्ती माता के बारे में पूरी जानकारी है। क्या स्टोरी रहती है पूरी इसके अंदर, कहानी रहती है? सब में स्टोरी दोनों है। अच्छा, और ये सब है। आपकी स्टोर बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल बगल में ही है। ये तो भैया की एक स्टोर है, यहाँ पे सारे आपको आरती वगैरह से लेके सारे आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, सारी रखी हुई हैं वहाँ पर। ये मैं अभी आके लेके जाऊँगा भैया, है ना, आपसे ये मैं लेके जाऊँगा। और यहाँ पे और मंदिर भी हैं इधर इस तरफ पे और दूसरे साइड पे, तो हम लोग वहाँ पे भी पूरा कवर करेंगे और फिर वापस यहाँ से। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियाँ लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। उनके बाएं किनारे पर दाहिनी ओर की तुलना में अधिक जल निकासी कवर है। ताप्ती के दाहिने किनारे की ओर कुछ सहायक नदियाँ आनेर, गोमई और अरुणावती हैं। इसके बाएं किनारे की कुछ सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बौरी, पंजरा, बागुर और भूरे हैं।
अषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ताप्ती जयंती मनाई जाती है। वेद पुराण में इस नदी का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ताप्ती महत्व का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि भगवान सूर्य ने स्वयं की गर्मी या ताप से अपनी रक्षा करने के लिए ताप्ती को धरती पर अवतरित किया था। जिस दिन ताप्ती का अवतरण हुआ था उस दिन अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ ताप्ती सूर्य पुत्री और शनि की बहन है, इसलिए कहा जाता है कि ताप्ती की वंदना से शनि के प्रभाव से राहत मिलती है। ताप्ती सभी का ताप कष्ट हर उन्हें जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है। यही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि ताप्ती नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो हड्डियों को गला देती है। इस नदी की धारा में दीपदान, पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं ताप्ती की अवतरण के कथा के बारे में। सूर्य पुत्री ताप्ती के जन्म की कथा महाभारत सहित कई पुराणों में मिलती है, जिसके अनुसार सूर्य भगवान की पुत्री तापी को ताप्ती कहा जाता है। वे भगवान सूर्य द्वारा उत्पन्न की गई थी। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा, जिसे संजना भी कहते हैं, उनसे विवाह किया था। संजना से उनकी दो संतानें हुई, कालिंदी और यम। कालिंदी को हम यमुना के नाम से भी जानते हैं। उस समय सूर्य अपने वर्तमान रूप में ना होकर अंडाकार रूप में थे। संजना को सूर्य का ताप सहन नहीं हुआ और वे अपने पति की परिचर्या अपनी दासी छाया को सौंप कर एक घोड़े का रूप धारण कर मंदिर में तपस्या करने चली गई। छाया ने संजना का रूप धारण कर लंबे समय तक भगवान सूर्य की सेवा की। इसी बीच सूर्य से छाया को सनीचर और ताप्ती नामक दो संतानें हुईं। सूर्य ने अपनी पुत्री तापी को यह आशीर्वाद दिया कि वह विनय पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर बहेंगी। सूर्य पुत्री ताप्ती को उनके भाई शनिचर मतलब शनिदेव ने यह आशीर्वाद दिया, जो भी भाई बहन यम चतुर्थी के दिन ताप्ती और यमुना जी में स्नान करेगा उनकी कभी भी अकाल मौत नहीं होगी। इसके अलावा और पुराणों में ताप्ती नदी का उल्लेख भी मिलता है। तो ऊपर दर्शन कर लेंगे, यहाँ पर हम भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। देखते हैं, यहाँ तो वैसे कुछ लिखा नहीं है कि फोटो वगैरह के बारे में। बोलो तो
इसमें मछलियाँ हैं कुंड के अंदर, हैं बड़ी बड़ी मछली, वो हैं मछलियाँ छोटी छोटी, ये बड़ी वाली, ये भी दोस्तों यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ताप्ती माता का मेन मंदिर, बहुत पुराना है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पुराना स्थित है ये, और बाकी जो कुछ कुछ मंदिर हैं वो नए हैं और ये वाला तो अभी बहुत पुराना है। माँ भगवती का ऐसा प्रताप है, सूर्य पुत्री है, शनि महाराज की बहन है, यमराज की बहन है, शनि महाराज को यमराज को सभी लोग पहचानते हैं। माँ भगवती की जो गुडविल है, या आप हम लोगों को जो पता नहीं है इसके बारे में, जानकारी नहीं है उनके महत्व के बारे में, इसके लिए कथा ये ताप्ती पुराण में कि भागीरथी गंगा जब पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए आने वाली थी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को मना कर दिए कि मैं यहाँ आदि गंगा मौजूद है मुल्ताई में, तो मैं यहाँ आके अपना मान क्यों घुटा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश किए कि आप जो है माँ ताप्ती की जो गुडविल है, जो उसका महत्व है, उसको हर के ले आओ। तो इन्होंने जो है हर के ले आए, तो इसलिए हम तुम लोगों को इसकी बहुत कम जानकारी है। माँ भगवती का ये उद्गम स्थल है मुल्ताई जो है, इसकी महिमा इतनी बताई गई है ताप्ती पुराण में कि भागीरथी गंगा में स्नान का जो महत्व है, यमुना जी में आचमन का जो महत्व है, और नर्मदा मैया के दर्शन का जो महत्व है, वो माँ भगवती के मात्र स्मरण से वो फलम को प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बताई। और यहाँ भाई दूज पे, शनिवार की दूज पे जो भी यहाँ पे स्नान करता है उसको शनि महाराज परेशान नहीं करते। माँ भगवती का अपने भाई से वरदान लिए है। यहाँ के मंदिर तो हमने कवर कर लिए, जैसे आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में, इधर यहाँ पर, और यहाँ से आप इधर की तरफ चलाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे। कितनी बड़ी मछली है ये, देखो कितनी बड़ी मछली, कितनी बड़ी मछली है, अरे बाप रे कन्हैया, देखो कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी मछली है वो, देखो बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी शार्क, शार्क नहीं है, शार्क ईल, ईल मछली है शायद वो, ईल नहीं, नहीं वो ईल है जिनको अपन वो खाना खिलाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे दर्शन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। लोग यहाँ पे कचरा डालते हैं, तो सबको समझना चाहिए कि ये बहुत पावन नदी है और उसका उद्गम स्थल है, तो यहाँ कचरा नहीं डालना चाहिए। लोग इसे कचरा डालते हैं, बर्तन कपड़े वगैरह सब धोते हैं इधर, वो सब नहीं करना चाहिए। गाड़ी थोड़ी दूरी पार्क है और अब निकलते हैं। यहाँ पर तापी नदी का जो हमारा ब्लॉग था वो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बस इस ब्लॉग के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नए ब्लॉग में।